नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और अमेरिका मिलकर विश्व को प्रदान करेंगे बेहतर भविष्य। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ईटानगर कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में ईटानगर में वार्तालाप कार्यक्रम का किया आयोजन। सीबीसी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम पर लगाई प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एलएससी से लगे तवांग जिले के ओमिथोंग आर्मी कैंप का किया दौरा। कहा, राज्य सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लागू कराने में सरकार करेगी पूर्ण सहयोग। मुख्यमंत्री ने एलएससी के पास चुना और सुलुंगती क्षेत्र के ब्रोकपा समुदाय के लोगों से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर विश्व को बेहतर भविष्य प्रदान करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबसे पुराना और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संस्कृति ही विचार और अभिव्यक्ति आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है और हम अमेरिका के साथ खास रिश्ता साझा करते हैं। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज आधुनिक भारत में महिलाएं हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही है। भारत का नजरिया सिर्फ महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाला विकास नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है, जहां महिलाएं प्रगति की यात्रा का नेतृत्व करती है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में परिवर्तन के साथ हमारी संस्थाओं को भी बदलना होगा। There have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. In the last century, when India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Indian culture deeply respects the environment and our planet. While becoming the fastest growing economy,
वी ग्रू अवर सोलर कैपेसिटी बाय 2,300%. वी बिकेम द ओनली G20 कंट्री टू मीट इट्स पेरिस कमिटमेंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत अमरीका संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा तथा साझेदारी को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने भारत अमरीका संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और दोनों देशों के लोगों की शांति और समृद्धि तथा वैश्विक कल्याण के लिए इसे और मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की. बाद में श्री मोदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में आज का दिन विशेष महत्व का बन गया है. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय जुड़ गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम विज्ञान, सेमीकंडक्टर और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर संबंधों को मजबूत बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश खरीदार विक्रेता के पुराने संबंध से आगे बढ़ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह विकास और सह उत्पादन के साथ बढ़ रहे हैं. और नई भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है. आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है. एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है. फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है. आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए. आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं. टुगेदर वी आर अनलॉकिंग द शेयर्ड फ्यूचर ऑफ व्हाट आई बिलीव टू बी अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड विद दिस विजिट We're demonstrating once more how India and the United States are collaborating on nearly every human endeavor and delivering progress across the board. For from designing new ways to diagnose and treat illnesses like cancer and diabetes, to collaborating on human spaceflight, including sending an Indian astronaut to the International Space Station in 2024, to accelerating the global clean energy transition and tackling the climate crisis we face, to harnessing our shared expertise on critical and emerging technologies like quantum computing and artificial intelligence, to ensuring they are not used as tools of misinformation and oppression. We are doubling down on our cooperation to secure our semiconductor supply chains, advancing open RAN telecommunications networks, and growing our major defense partnership with the more joint exercises, more cooperation between our defense industries, and more consultation and coordination across all domains. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के ईटानगर कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में आज अरुणाचल प्रेस क्लब में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया. मीडिया वर्कशॉप और पत्रकारों से संवाद
संवाद के माध्यम के रूप में आयोजित किए गए वार्तालाप कार्यक्रम में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने चीफ गेस्ट जबकि डीआईपीआर के डायरेक्टर ओन्योक पट्टिन ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया। वार्तालाप को संबोधित करते हुए डीसी तालो पोतोम ने कहा कि उन्होंने 30 साल की अपने सेवा काल में जितना विकास 21 साल में नहीं देखा था उससे कहीं ज्यादा विकास पिछले 9 साल में होते देखा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र एवं राज्य सरकार विकास के लिए सही मायने में प्रतिबद्ध है। डीआईपीआर के डायरेक्टर श्री पट्टिन ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया सरकार और जनता के बीच की अहम कड़ी है और इसे समाज में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ये 9 ईयर्स में हमने देखा है और उस हिसाब से हमारा जो फैसिलिटीज है, कोई भी फैसिलिटीज जो है, बहुत आगे बढ़ गया है। पीएम का जो आवास योजना है वहाँ में भी हमारा 700-800 आदमी लोगों को यहाँ में ईटानगर के अंदर में पैदा हुआ है, लेकिन हमारा जो है पेज 2 अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो उसको भी हमें सरकार ने सेचुरेशन पॉइंट दिया हो गया है। हमारा जो बिजनेस रिलेटेड में जो हम लोग का नंबर 10 था, अभी 5 में आ गया बोला है, इतना कम समय में इधर आ गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे और इसके लिए जरूरी है अभी जैसे पीआईबी जो है काम कर रहा है, दूरदर्शन भी काम की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मीडिया इज इट शुड एक्ट और एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द पीपल, बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी focused and made well known to the publics at the grievances and problems and issues of the publics should be again made known to the government. So it acts as a very important role in governing the state and the governing the country. वार्तालाप कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम पर अरुणाचल प्रेस क्लब में मिनी एग्जीबिशन भी लगाया है। इस अवसर पर नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया मिशन सहित केंद्र सरकार की कुछ अन्य योजनाओं पर तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। वार्तालाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीआईबी कोहिमा के सहायक निदेशक के सोनी कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को पीआईबी के कामकाज के बारे में जानकारी दी, जबकि पीआईबी ईटानगर के हेड ऑफ ऑफिस प्रियापंशु रंजन ने कहा कि जल्द ही ईटानगर में पीआईबी के स्थायी कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। श्री रंजन ने पत्रकारों को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम की भी जानकारी दी। CBC ईटानगर के प्रभारी अधिकारी राकेश डोले ने मंच संचालन किया। Development activities of the government. So that is our main objective. And in May, we all know that this May, the Narendra Modi government has completed 9 years. And that's why in June is the next month from May. So in June, in 36 locations of the country, this type of workshops are being held all over the country. So we are very lucky. Arunachal also got one this time, because this is the first time such type of program is being conducted here. मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए अच्छी बात है कि पीआईबी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मीडिया सेंटर भी बनाऊँ, जैसे दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर है। नेशनल मीडिया सेंटर में आप जानते होंगे कि जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ वो जाके अपनी स्टोरीज वगैरह फाइल कर सकते हैं। पीआईबी का जो मीडिया सेंटर है वह उससे वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट को काफ़ी हेल्प मिल रही है, वो वहाँ जा कर के स्टोरी वगैरह फाइल करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि पीआईबी ईटानगर का जब भी ऑफिस बनेगा, फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा, तो हम मीडिया सेंटर भी इस्टेब्लिश करेंगे। पीआईबी के काम करने का तरीका यह है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट आप जानते होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरिएट का एक मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है। मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स जब भी कम्युनिकेट करेंगे मीडिया से,
गवर्नमेंट के कामकाज को लेकर के, तो वो पीआईबी के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो पीआईबी जो है वो स्पोक्स पर्सन के रोल में होता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एलएसी से लगे तवांग जिले के ओमिथांग आर्मी कैंप का दौरा किया और सेना के अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने इस अवसर पर सेना की ओमिथांग पोस्ट पर हथियारों की प्रदर्शनी का जायजा लिया और जवानों से उनके उपयोग के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रगति पर चर्चा की और सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को त्वरित गति से लागू करने में सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। श्री खांडू ने तवांग जिले के पर्यटन स्थल चुम्बी ग्यात्से के मार्ग में तैनात सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रैक के मरम्मत कार्य में सहयोग और देश की सुरक्षा में उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एलएसी के पास चूना और सुलुंगती क्षेत्र में याक पालन करने वाले ब्रोकपा समुदाय के लोगों से मुलाकात की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर एरियाज में निवास करने वाले ब्रोकपा समुदाय को सतत और लाभकारी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार याक पालन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में इकोलॉजिकल बैलेंस और कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के लिए याक पालन की परंपरा को जीवंत रखना सरकार की प्राथमिकता है। वन और पर्यावरण मंत्री मामा नाटुंग ने ईस्ट कामेंग जिले में चयनित 29 किसानों को आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत पावर टिलर्स वितरित किया। अपने एक ट्वीट में श्री नाटुंग ने कहा कि राज्य सरकार जय जवान जय किसान के मूल मंत्र का पालन करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए जरूरी कृषि उपकरण प्रदान कर रही है। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। जुलाई 1901 में कोलकाता की एक संभ्रांत बंगाली परिवार में पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुरू से मेधावी थे। इसी कारण महज 33 साल की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और वहां से कोलकाता विधानसभा पहुंचे। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए चाहते थे कि कश्मीर भी दूसरे राज्यों की तरह देश के अखंड हिस्से के रूप में ही देखा जाए और वहाँ भी समान कानून रहे। बिना परमिट के श्रीनगर में प्रवेश करते हुए 11 मई 1953 को राज्य सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 23 जून को जेल में ही दिल का दौरा पड़ने पर डॉक्टर मुखर्जी का निधन हो गया। भाजपा के अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा डॉक्टर मुखर्जी के पुण्यतिथि को आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर और मंडल भाजपा कार्यालय डापोरिजो में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। एक रिकॉग्निशन है कि जो भी पार्टी में काम करता है आदमी, सेक्रीफाइस जो करता है पार्टी के लिए, उनको चाहे हमारा लोग भी यहाँ भी स्टेट में कुछ अपना खावाजा बीजी रह गया, आंगिर जामोजी हो गया, ऐसा लोगों को भी हम लोग कभी मौका मिले तो हम लोग को रिकॉग्निशन देना चाहिए या अपना स्टेट में भी करना चाहिए। ये तो मेन अपना जो नीम जो बनाने वाला है, जो रेत जो उन्होंने शुरू किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अपना दीनदयाल उपाध्याय, उनको तो हम लोग याद करेंगे ही करेंगे। साथ साथ में अपना स्टेट में भी ऐसा बहुत सारे कार्यकर्ता है कि जब सरकार नहीं थी तकलीफ का दौर में पार्टी को आगे बढ़ाने में जो साथ दिया है, इनका अपना पूरा लाइफ गुजारा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक यंग प्रोफेसर थे और वो नेहरू कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर रहा नेहरू मंत्री में, लेकिन इनका बहुत बड़ा मतभेद था जो आर्टिकल 370 के तहत, और इनको रिपील करना और एक देश में एक दो विधान दो सदन दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, इनका ये नारा से उन्होंने नेहरू कैबिनेट से रेजिग्नेशन दिया। और चलते बाद में वो अपना भारतीय जनसंघ गठन किया, उसी के तहत जो कश्मीर में सभी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था और इन्होंने इसको मना किया कि एक देश में कहीं भी देश कोना में एक भारतीय के जाने का कोई ऐसे।
अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि प्रदेश के सभी लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के लिए सरकार 5G टेक्नोलॉजी के उपयोग सहित अत्याधुनिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। पासीघाट के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, पाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सहयोग से 5G एप्लीकेशन हब एमट्रोन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री लिबांग ने कहा कि प्रदेश के सुदूर इलाकों के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं पहुंचाने के लिए 5G तकनीक काफ़ी कारगर साबित होगी। इस अवसर पर NEC के सचिव के मोसेस चलाई ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के क्षेत्र में 5G टेक्नोलॉजी के उपयोग से अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को विकास का लाभ मिलेगा। 5G से हम लोग बेनिफिट मिल रहा है और जैसे क्लाउड्स में लिंक अप करके हैं तो इंस्टेंटली ये भी रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ऐसा हम 5G में यूज करने से अरुणाचल प्रदेश में इतना पॉपुलेशन भी नहीं है, हम लोग 17 लाख पॉपुलेशन को हम लोग सबको हम लोग 5G में ये टास्क करने से हम इवन इंडिविजुअल पर्सन का क्या बीमार है उसको हम लोग डायग्नोस करके हम फिंगर टिप्स में हम लोग रख सकते हैं इस 5G को हम लोग सही सलामत से सही तरीके से यूज करने से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले में LAC के पास स्थित प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल चुमी ग्यात्से में पूजा अर्चना की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और वर्ष 2022 में 6,000 से अधिक पर्यटकों ने चुमी ग्यात्से का दर्शन किया। उन्होंने बताया कि इस बौद्ध मठ में भिक्षुओं के लिए आवश्यक सुविधा का विस्तार किया जा रहा है और पर्यटकों की सुविधा के लिए समय समय पर ट्रैक की मरम्मत का कार्य सेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में नो टू कैश फॉर वोट, नशे के सेवन सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर यिंकी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने और सुशासन के लिए लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में वोट देने के लिए बदले नोट ना लेने की अपील की है। नो केस फॉर बोथ के ऊपर यहाँ अवेयरनेस कैंप रखा गया है। आज हम ये मुहिम को इसलिए चेहरा कि हम लोग जब से देखा हमारा एरिया में अच्छा लीडर। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।